आज मैं तुम लोगों को तीन माइनक्राफ्ट टिप्स बताने वाला हूँ। तीनों टिप्स अच्छे से याद कर लो। अगर तुम लोग मल्टीप्लेयर एसएमपी में जमीन में सामान छुपाने का ट्राई करोगे जैसे ये चेस्ट, देन दिस इज अ बैड आइडिया, बिकॉज मैंने इधर बाजू में बैरल प्लेस किया था और वो तुम लोगों को नहीं दिखा, राइट? बिकॉज बैरल एक फुल ब्लॉक है, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से जब भी जमीन में छुपाओगे यूज अ बैरल इंस्टेड ऑफ चेस्ट। अगर तुम लोगों को नेदर में क्वार्ट्ज ब्लॉक यूज करके कौन सा भी स्ट्रक्चर बनाना है, तो गैस्ट एक्चुअल में क्वार्ट्ज के ब्लॉक को तोड़ सकता है, तुम लोगों ने देख ही लिया। बट अगर तुम लोगों को फिर भी यूज करना है तो तुम लोग दो स्लैब यूज कर सकते हो, सेम ब्लॉक जैसा दिखेगा, बट ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। सामने उधर गैस है, चलो टेस्ट कर लेते हैं। ओके, एम सुधार अपना, चलो टेस्ट करते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, मेरे को लगा था मैं क्वार्ट्ज से कभी बिल्ड नहीं कर पाएंगे, बट यू कैन। लास्ट मेरे पास तुम लोग के लिए एक फैक्ट है, तुम लोगों को पता है अगर हम लोग कैरेट को ये फीड करेंगे तो वो इंस्टेंटली मर जाता है, बट पहले ये ट्रू नहीं था। अभी मैं माइनक्राफ्ट 120 के प्री रिलीज में आया हूं, तुमने देखा टेम हो गया, कुकी से इन लोग टेम होते थे और तुम लोग सिर्फ कुकी से ही ब्रीड कर सकते थे। माइनक्राफ्ट को बहुत लेट पता चला कि कुकी उन लोग के लिए हार्मफुल होता है, और जैसे माइनक्राफ्ट को पता चला माइनक्राफ्ट ने रिलीज 1.20 में ही हटा दिया उन लोगों को। सो नाउ यू नो द स्टोरी ऑफ पैरेट एंड अ कुकी। थैंक यू।